संभल के चंदौसी में रहने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने आज गाजीपुर बॉर्डर पर तीन कृषि संबंधित काले कानूनों के विरुद्ध किसान आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए तथा आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के विषय में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को तथा यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के बेटे गौरव को अवगत कराया तथा अपना समर्थन व्यक्त किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने कहा कि आज देश के किसानों को अपनी जमीन खेतीबाड़ी बचाने के लिए ठिठुरती सर्दी में किसानों को सड़कों पर सोकर अपनी जान देनी पड़ रही है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है, इसके सारे देश के संविधान को भी खत्म करने की साजिश है जिसे समाजवादी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत को भरोसा दिलाया कि वे हर संघर्ष में साथ हैं। इस देश के लोकतंत्र तथा संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता अखिलेश यादव के निर्देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। साथ में विजेंद्र यादव, रामवीर सिंह यादव, राजीव रस्तोगी, गुलफाम सिंह, बबलू चौधरी, असीम अग्रवाल, प्रदीप श्रीवास्तव, शोभित प्रेमी, शाकिर अली आदि लोग मौजूद रहे। कृषि संबंधित तीन काले कानूनों को वापस करने के लिए इस आंदोलन में भारत के किसानों की आत्मा को जागृत है और ये सच्चाई है कि लोकतंत्र तथा संविधान की किसान आत्मा है। अगर किसान दुखी होगा तो लोकतंत्र दुखी होगा और संविधान दुखी होगा। हम चाहते हैं, इसलिए मैं समर्थन करने के लिए वहाँ पहुँचा। मैं किसान नेता राकेश टिकैत जी से मिला, भारतीय किसान के अध्यक्ष नरेश टिकैत जी, उनके बेटे गौरव टिकैत जी से मिला, समर्थन व्यक्त किया तथा मुराद मंडल में जो समाजवादी पार्टी की जो आज माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर निर्देश पर जो क्रियाकलाप हमने चलाए उनके समर्थन में, उनकी जानकारी दी। ये विश्वास भी दिलाया कि हम हर हाल में राकेश टिकैत जी के साथ, किसानों के साथ, उन तमाम किसान आंदोलन के साथ जो दिल्ली में उतरे पड़े सर्दी में, जो अपनी जान गंवाकर भी इस देश के काले कानून को वापस करना चाह रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। मुझे तो सरकार का आरोप है कि विपक्ष इस समय जाकर किसानों को बता रहा है, इसमें क्या कहेंगे? कोई भी विपक्षी दल पर जो आरोप लगा रहे हैं सत्ता दल के लोग, वो अपने गरबान में झांक के देखें, क्या विपक्षी पार्टियों जनाधार के बिना चल सकती हैं? और जनाधार में क्या भारतीय किसान के बिना कोई भी दल इस देश में राजनीति कर सकता है? मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर, सत्ता में बैठे हुए लोगों पर, जो ये कहते हैं विपक्षी दल भड़का रहे हैं। हम कह रहे हैं जबरदस्ती आप तीन किसानों के पक्ष में क्यों बात करते हैं किसान कानून लागे लाने की? ये सच्चाई ये है कि अडानी और अंबानी को और देश के उद्योगपति को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। विपक्ष को बिल्कुल सभी पार्टियों को मिलकर के किसानों के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए और समर्थन इस हद तक करना चाहिए कि हम बिना किसान के कोई भी राजनीति नहीं कर सकता, क्योंकि जनाधार का आधार तो वही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा तमाम दलों से एकजुट होकर के इस निकम्मी उस तानाशाही सरकार के खिलाफ जो कानून वापस ले रही, हमारा किसान आंदोलन करते हुए ठिठुरती सर्दी में खत्म हो रहा है, अपनी जान दे रहा है, तो 125 किसान खत्म हो चुके लेकिन कान पर जू नहीं लग रही। इसके विपक्ष में तमाम विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा होकर के किसानों को समर्थन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी तो हमेशा इन अफसानों के समर्थन में रहेगी और जब तक ये कानून वापस नहीं होते, माने अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सड़क गर्म करने से लेकर के अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने तक हम लोग संघर्षरत रहेंगे।